गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर अगर आप ई इनवॉइसिंग करते हैं और उस ई इनवॉइसिंग को करने के बाद उसमें अगर कोई मिस्टेक हो जाता है, तो आज सुबह मैंने वीडियो अपलोड किया था कि वो कब तक कैंसिल या अमेंड हो सकता है। अब जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक, ताकि अब आपको ये समझ आ सके अगर आपका 24 घंटे का टाइम पीरियड जो है वो अगर निकल गया है ई इनवॉइस बनाने के बाद, तो अब उस ई इनवॉइस का डेटा किस तरीके से कैंसल होगा या उसका डेटा आप अमेंड जो है वो कर पाएंगे। तो यहां पर काफी लोगों के ये सवाल आते हैं कि ई इनवॉइस में गलती हो गई है और 24 घंटे का टाइम पीरियड जो है वो निकल गया। तो यहां पर इस चीज को समझिएगा कि आप एक बार ई इनवॉइस जनरेट कर देते हैं, उसके बाद ये ई इनवॉइस का डेटा आपके जीएसटीआर 1 में पॉपुलेट हो जाएगा। जैसे 6 नवंबर आज की डेट में अगर आप ई इनवॉइस जनरेट करते हैं, तो ये आपकी नवंबर की जीएसटीआर 1 में अगर आप चेक करेंगे तो वो आपको ऑटोमेटिकली पॉपुलेटेड होकर के दिखाएगा। 24 घंटे बीत जाने के बाद आप आईआरपी पोर्टल पे उस इनवॉइस डेटा को छेड़ नहीं पाएंगे। तो अब आपके पास ऑप्शन क्या है? सबसे पहला ऑप्शन ये है कि 24 घंटे अगर निकल गए, तो 24 घंटे निकलने के बाद अगर आप उस इनवॉइस को अमेंड करना चाहते हैं, उस इनवॉइस का कोई भी डेटा चेंज करना चाहते हैं, तो आप उसे कर सकते हैं जीएसटीआर 1 में। क्योंकि नवंबर की जीएसटीआर 1 जब आप फाइल करेंगे, तो जो ऑटो ड्राफ्टेड डेटा जीएसटीआर 1 में ई इनवॉइस की मदद से आया है, उसे आप एडिट करके चेंज कर सकते हैं। ये जितने एफएक्यूज हैं, ये गवर्नमेंट ने डाल रखे हैं जीएसटीएल पोर्टल पे। इनसे रिलेटेड एफएक्यूज आपको हमारी टैक्स मैगजीन में भी प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। मंथली जीएसटी और इनकम टैक्स की अपडेट्स प्रोवाइड करी जाती हैं हर महीने। अब यहां पर जो दूसरा सवाल आता है कि जीएसटीआर 1 की रिटर्न वो भी फाइल हो चुकी है, अब इस सिचुएशन में क्या होगा? 24 घंटे भी निकल गए और जीएसटीआर 1 की रिटर्न जा चुकी है, और जो आपने जीएसटीआर 1 का डेटा फाइल किया है ऑन द बेसिस ऑफ ई इनवॉइस, उसमें लेट सपोज आपका जीएसटीएन जो आपने डाला है वो गलत है, अब आप उसे चेंज करना चाहते हैं, तो आपके पास ऑप्शन क्या है? आपके पास ऑप्शन है दिसंबर 22 की जब आप जीएसटीआर 1 की रिटर्न फाइल करेंगे, तो उस जीएसटीआर 1 में, दिसंबर 22 की जीएसटीआर 1 में आप उस पर्टिकुलर ई इनवॉइस का डेटा जो है जीएसटीआर 1 में चेंज कर पाएंगे दिसंबर महीने। 24 घंटे के बाद आपको पोर्टल के अंदर ही आना होगा अमेंडमेंट करने के लिए। तो दिसंबर महीने में अगर आपका ए जीएसटीएन था, चला गया था बी के अंदर, तो अब आप ए के बजाय उसका बी डेटा जो है वो रिफ्लेक्ट करेंगे। सर, लेकिन जो ई इनवॉइस है उसका क्या होगा? वहां आपको ये समझना है कि ई इनवॉइस की एक कॉपी और जीएसटीआर 1 में जो अमेंडमेंट करा है आपने, वो दोनों, चाहे वो ई इनवॉइस की कॉपी हो, ओल्ड जीएसटीआर 1, अमेंडेड जीएसटीआर 1, दोनों अपने ज्यूरिसडिक्शनल प्रॉपर ऑफिसर को अलॉन्ग विथ अ कवरिंग लेटर अपनी सारी बात लिखते हुए, टोटल चीज एक्सप्लेन करते हुए कि ऐसी ऐसी गलती हमसे हुई है, वो आप विद इंटीमेशन जो है वो आप सबमिट करके आ सकते हैं। क्योंकि जब आप ई इनवॉइस बनाते हैं और उस ई इनवॉइस का डेटा जीएसटी रिटर्न के थ्रू चेंज करते हैं, तो वो डेटा ऑलरेडी आपके प्रॉपर ऑफिसर के पास फ्लैग कर दिया जाता है जीएसटी पोर्टल के द्वारा। तो आप ये कतई ना समझें कि आपका डेटा जो है वो चेंज भी हो जाएगा और ऑफिसर को पता नहीं लगेगा। ऑफिसर के पास ऑलरेडी वो इंफॉर्मेशन जो है वो अवेलेबल है। तो ऐसा ना हो कि नोटिस आए और उसके बाद आप फंस जाएं। इससे बेहतर है
कि आप वॉलंटरली अगर ऐसी गलती करते हैं तो आप जाकर के एक एप्लीकेशन जो है वो सुओ मोटो दे सकते हैं और आगे से ऐसी गलती ना करने की कसम भी खा सकते हैं कि आप आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। ये तो हो गया कि GSTR 1 में आपका GSTN गलत। अब मान लेते हैं सारी चीजें सही हैं, लेकिन वो जो बिल है वो पूरा का पूरा बिल ही गलत है। अब इस सिचुएशन में क्या होगा? इस सिचुएशन में आपको मदद लेना होगा क्रेडिट नोट का, और इस पर्टिकुलर चीज को क्रेडिट नोट, टाइम ऑफ सप्लाई, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए बिना प्रोफेशनल कंडक्ट के, बिना प्रोफेशनल गाइडेंस के ये खतरों के खिलाड़ी बनने की जरूरत भी नहीं है। क्यों नहीं है समझिएगा। अगर आप ये कहते हैं कि मैंने ई इनवॉइस बना दिया, गलत हो गया, कैंसिल करना है, आपने क्रेडिट नोट बना दिया। अब क्रेडिट नोट बनाने के बाद आपने दिसंबर महीने में फ्रेश ई इनवॉइस इशू कर दिया, तो भाई साहब नवंबर में बेचा गया माल आप दिसंबर में इनवॉइस जनरेट नहीं कर सकते, क्योंकि टाइम ऑफ सप्लाई के हिसाब से गुड्स अगर आप सप्लाई करते हैं तो बिफोर और ऑन द डिस्पैच ऑफ गुड्स आपको इनवॉइस बनाना मैंडेटरी है। तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा कि क्रेडिट नोट का जब आप इस्तेमाल करें तो प्रोविजंस ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई जो है वो प्रॉपरली फॉलो हुई है या नहीं हुई है, इस चीज की जांच करवा लीजिए, उसके बाद ही फ्रेश इनवॉइस का रास्ता जो है वो आप अपना सकते हैं। अदरवाइज आपके पास और कोई विकल्प जो है वो इस सिचुएशन में नहीं रह जाएगा। आपको अगर क्रेडिट नोट ही बनाना है और टाइम ऑफ सप्लाई भी अलाउ नहीं करता तो आपके पास ऑप्शन है प्रॉपर ऑफिसर की प्रायर इंफॉर्मेशन एंड अप्रूवल, तभी आप ई इनवॉइस जो है वो चेंज कर सकते हैं और नया ई इनवॉइस अक्टूबर की डेट के लिए, नवंबर की सप्लाई के लिए दिसंबर में जो है वो बना सकते हैं। अगर वो चीजें आप कर पाएंगे तो ही आपका रास्ता जो है यहां पर आएगा। अब अगर आप सर्विसेज की बात करते हैं तो सर्विसेज के केस में आपके पास 30 डेज का टाइम पीरियड होता है। इस 30 डेज के अंदर अगर आप बिल्स चेंज करते हैं तो वो आप ई इनवॉइसिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। गुड्स और सर्विसेज में थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, आप बिल अमेंडमेंट और कैंसिलेशन आफ्टर 24 आवर्स इस प्रोसेस को फॉलो करके कर सकते हैं अंडर प्रोफेशनल गाइडेंस। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि अब ई इनवॉइस अगर आप 24 घंटे के बाद भी बदलना चाहते हैं तो वो किस तरीके से आप पोर्टल पे कर सकते हैं ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत जो है वो ना आए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।